अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंसी बर्ड सीके में। तो दोस्तों कैसे हैं आप तमाम दोस्त, उम्मीद है आप तमाम ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास एक फीमेल है कॉकटेल की, कॉमन वाइट की, तो येलो हेड भी इसे बोलते हैं, कॉकटेल येलो हेड। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास फीमेल है और इसे थोड़ा सा ना मसला है लकवे का। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसे, लेकिन ये ना एक हमारे दोस्त हैं तो वो कह रहे थे यार ये ना आप मुझे दे दो, ठीक है मैं इसे किसी काम पे लगा लूँगा। मैंने कहा चलें उनको जो है ना ये दे आते हैं, तो उनसे कोई चलें कुछ ना कुछ जो है ना सौदा हो सकता हो जाए, और अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो हमारे दोस्त हैं वो इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर लें, कहीं पर भी लगा लें, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे पास भी वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो चलिए उनको जो है ना ये दे देंगे, शायद उनके किसी काम आ जाए। तो दोस्तों ये सारी सूरत हाल है, तो अब मैं इसे जनाब निकालूंगा और इसे मैं डालता हूँ जो है वो जाली के अंदर। और ये जनाब फीमेल जो है ये दे के आते हैं जो है ना अपने दोस्त को। ये जी ये मादी मैंने जो है ना बरार भाई के जाना दुकान पे दे दी है इनको, ये आ गई है इधर। ठीक है दोस्तों, और एक ये ब्रीडर जोड़ा है मेरे पास पहले से मौजूद था, ये मैं इनको दे गया था चेंज करने के लिए, और ये ना मादी के थोड़े पर काम है इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने इनको वापस की थी। अब मैं फिर लेके जा रहा हूँ और देखते हैं क्या सीन होता है इसका। ठीक है जी, क्या बन रहा है ये देखें, ये ना फर्क बड़ा नहीं आ रहे, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों ये देखें, ये मैं अपना पुराना फिशर का जोड़ा जो है वो वापस ले आया हूँ, तो अभी इसे मैं बाहर निकालता हूँ तो फिर आपसे शेयर करता हूँ और फिर बात भी इस पर करते हैं थोड़ी बहुत जो हो सकती है। ये मेरे पास दो पट्ठे हैं और ये दोनों पट्ठे इसी के हैं, इस पेयर के जो मैंने आपको दिखाया अभी जाली में। ठीक है, और ये लटीनों का एक पट्ठा पट्ठा नारा मेरे पास। ठीक है, ये दोस्तों मैंने पार्टीशन कर दी है इसकी। ठीक है, ये अब तीनों अलग रहेंगे और यहाँ पे मैं इसकी मटकी लगाने लगा हूँ, ठीक है सामने, ताकि ये वाले लटीनों का पेयर फिशर का एक पेयर और यहाँ पे भी फिशर का पेयर एक जो है वो ब्रीड करेगा, और वो भी यही वाला जो मेरा पुराना पेयर है वो मैं इसे इधर लगाने लगा हूँ। ठीक है, और इसकी मटकी इधर लगाता हूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो ये दोस्तों देखें, ये मैंने मटकी लगा दी है इधर। ठीक है, ये देख लें, और स्टिक्स भी मैंने इधर लगा दी हैं, और थोड़ी सी ये मैंने नेस्टिंग भी इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, और ये जनाब बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी नेस्टिंग की है, ये देख लें आपको मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने घास इसके अंदर भी रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब फुल तैयारी हो गई है इसको जो है ना छोड़ने के लिए, तो अब मैं जोड़ा छोड़ता हूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने जो है ये अपना पुराना ब्रीडर जोड़ा जो मैंने वापस दिया था वो मैं फिर दोबारा से ले आया हूँ, और मैंने ये छोड़ दिया पिंजरे के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पार्टीशन कर दी है और ये इसी के पट्ठे हैं, ये दोनों इस जोड़े के पट्ठे हैं, और ये जोड़ा जो है इसमें मादी के ना पर थोड़े से जो है वो नहीं थे, तो इसलिए मुझे इस पर थोड़ा सा जो है ना परेशानी थी, मैंने इसे जो है ना वापस दे दिया था जहाँ से मैंने लिया था, और अब दोबारा से मैं फिर ले आया हूँ क्योंकि इसने मेरे पास ब्रीड की थी, और ब्रीड में ये दो पट्ठे थे ये वाले, और दोनों पट्ठे ये आपके सामने हैं, बड़े ज़बरदस्त हेल्दी एंड एक्टिव हैं। ठीक है, तो मैंने तो सोचा है कि यार जितनी इससे ब्रीड मिलती है, एक दो ब्रीड जितनी मिलती है इससे ब्रीड लेते हैं, और सीज़न के बाद फिर इसको देखेंगे, अगर सेल करना हुआ तो कर देंगे, वरना जो है क्योंकि मेरे पास भी इस पेयर से मैंने पहला तजर्बा हासिल किया था ब्रीड का, इसी पेयर ने मेरे पास आके ब्रीड की थी, तो आज फिर मैंने जो है ना इसी को यहाँ पे लगा दिया, तो वो जो है देखते हैं सीन क्या बनता है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी ब्रीड करेंगे, क्योंकि पहले भी जब ये मेरे पास आए थे तो इन्होंने बहुत जल्दी जो है ना मेरे पास ब्रीड की थी। तो बाकी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लटीनो का पेयर है, ये मैंने ब्रीड पर लगाया, और दूसरा ये वाला फिशर का पेयर है, तो इसको भी मैंने ब्रीड पर लगाया भाई। ये तीन पेयर मेरे पास अभी, सीज़न तकरीबन शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ दोस्तों ने मटकियाँ लगा दी हुई हैं, कईयों ने अभी नहीं लगाई, तो कुछ थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगस्त का महीना जो है ना वो शुरू हो चुका है।
ठीक है। तो ये अभी ब्रीडिंग टाइम है, तो मैंने इसकी मटकी लगा दी है ताकि अभी ये सेट होने में और कुछ जो है टाइम लेने लेंगे 10 से 15 दिन, तो ये अपना टाइम ले लें और उसके बाद इतनी देर में मौसम जो है वो ठीक होता जाएगा और फिर जो है ना इसकी ब्रीड का भी जो है ना सीज़न आ जाएगा और टाइम आ जाएगा, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।